औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजी सामीन उकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए, आमीन। आज का हमारा मौजू है ख्वाब में अपनी या किसी की मौत को देखने या सुनने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा आज का मौजू है अपनी मौत को देखना या किसी और की मौत को सुनने के हवाले से। ख्वाब में कोई शख्स देखे कि वो मरा है और लोग रो रहे हैं और इसको नहलाया है और जनाजे में डालकर इसको कब्र में उतारा है, तो ये सब चीज़ें इसके दीन के फसाद पर हैं। ख्वाब में औरत देखे कि वो हामला है और ख्वाब में मरी हुई है, तो दलील है इसके हाँ बेटा पैदा होगा। ख्वाब में कोई शख्स देखे कि वो मर गया है और नंगे होने की हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो दलील है कि वो फ़कीर होगा। ख्वाब में मर कर ज़िंदा होना शहर ख़राब होने की अलामत है, और अगर दूसरी बार मरा है तो दलील है इसके हाँ औलाद में से कोई मरेगा। ख्वाब में माँ को मरते हुए देखना दुनिया ज़ाया होने और इसकी हालत बदतर होने की अलामत है। ख्वाब में कोई शख्स देखे कि वो मरा है और इसके ऊपर कोई रो नहीं रहा और इसके जनाजे के पीछे लोग भी नहीं रो रहे, तो दलील है कि इसका घर वीरान होगा और आबाद नहीं होगा। ख्वाब में अपनी या किसी और की मौत की खबर आना इसके दीन फसाद की खबर आने की अलामत है। ख्वाब में अचानक मौत देखना मोमन की राहत और काफर के लिए अजाब की दलील है। ख्वाब में मौत का फरिश्ता देखना मुसीबत, बीमारी और मौत आने की अलामत है। ऐसे शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए, सदका और खैरात तमाम मुसीबतों को टाल देता है। ख्वाब में किसी और शख्स की मौत देखना इस शख्स की उम्र लंबी होने की अलामत है। मौज़े सामीनों कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद पूरी करें, आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी नासर हों। जजाकल्ला।